आप मम्मी को देख रहे हो ना, एक प्रॉब्लम हो गया। मैं अभी उठा, सुबह का 5:30 बज रहा था। मैं अभी उठा तो हमारे रूम में पूरा मतलब ब्लड ब्लड था। ये जो एरिया है ना, एरिया अभी मैंने पोछा, पूरा ब्लड था, कोई उठा भी नहीं अभी तक। और मम्मी को देखा तो उसके भी हाथ पैर में ब्लड था, मतलब उसका हीट साइकिल जो है, फिर से मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मुझे तभी शक हुआ था जब वो कल कुछ खा नहीं रही थी, मुझे लगा वेज है दैट्स वाई नहीं खा रही है, बट अब उसका प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गया है। एंड बहुत तबीयत भी ख़राब लग रहा है उसको, सो नहीं रही है अब। कोई बात नहीं, हम है ना, रेस्ट लो, रेस्ट लो, तुम गुड गर्ल हो ना, स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, सिट, बैठ नहीं पा रही है वो ठीक से। ये देखो, सीट बोलने से बहुत स्लो होकर के सीट रही है। हैंडशेक, गुड गर्ल, तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। इसका फेस देखो कैसे पतला हो गया एक दिन में। उदास नहीं होते हाँ, 10 दिन की बात है, उसके बाद ठीक हो जाओगे। फीवर भी आ रहा है आस्ते आस्ते। चलो ठीक है, आज कोई काम वाम नहीं कराना है तुमसे, कोई वीडियो नहीं करना है, कोई बदमाशी भी नहीं करना है तुमको, ठीक। आज सिर्फ तुमको रेस्ट लेना है। आज मैं तुम्हारे लिए पनीर बना दूंगा। पनीर खाओगे बेटा, पनीर खाओगे? उदास क्यों हो रहे हो, दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है? दो पेट दो, हम दबा दें, दो पेट दो, दो पेट दो, उल्टा हो जाओ। अच्छा लग रहा है? छत तो जाओगे? अभी नहीं जाना चाहिए, बदमाश, इन्फेक्शन होगा, अभी घर पे रेस्ट लो। मम्मी ट्रीट्स खाओगे? ट्रीट्स तू? मेरे को ट्रीट देता हूँ, ट्रीट्स दूंगा मम्मी को। को ना डायपर नहीं पहनाता, क्योंकि डायपर पहनाना भी हर समय ठीक नहीं होता, बट आज से तो एक कुछ दिन पहनाना होगा, बिकॉज छठ पूजा है घर पे और मम्मी हर जगह घूमती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये डायपर उसका रेडी मेरा रखा रहता है हमेशा उसके लिए, तो मैं पहना दे रहा हूँ ये वाला। आप पूछते हो ना ये कौन सा साइज है, कौन सा ब्रांड का आप लाते हो, तो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ ये वाला है, ह्यूमन वाला है, अडल्ट डायपर। हाँ तुम्हारा ही है बेटा, तुम्हारा ही है। तो ये वाला मम्मी को हम पहनाते हैं, और हम नॉर्मली नहीं पहनाते, हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा फाड़ देते हैं, उसके बाद पहना कर ये दोनों को बांध देते हैं जैसे टाइट हो जाए, क्योंकि बहुत ढीला हो जाता है ना ऐसे में। ना उठाओ मम्मी, चलो आ जाओ, चलो 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 बाहर, चलो चलो। प्रॉब्लम अचानक से मुझे मॉर्निंग को ही दिखा, जैसा मैंने बताया, जैसे मैं उठा तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लड ब्लड गिरा हुआ है। तो क्या हो गया, मैं तो डर गया पहले, हुआ क्या? फिर जब मम्मी को देखा तो हाँ उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने क्लीन व्लीन किया, उसको हंसाने की कोशिश किया, बट ठीक तो हो नहीं रही है वो, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब देखते हैं, मैंने डायपर अभी पहनाया है उसको, क्योंकि घर पे पूजा है, छठ पूजा है, तो ना चाहते हुए भी डायपर पहनाना पड़ा। और अच्छा है, क्लीन रहेगी, डायपर पहनाने से क्लीन रहेगी, और ज़्यादा नहीं, एक ही यूज़ करूँगा एक दिन में, 2-3 घंटे पहनाऊँगा, उसके बाद फिर रात। तो चलो, अभी मम्मी बहुत उदास है, बहुत टेंस है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा हमें,
और मैं बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा मम्मी को, मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या पहना रहा हूँ, किस तरह रख रहा हूँ। जैसे आपके पास भी अगर बच्चा है तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस समय कैसे क्या करना होता है, क्योंकि मैंने 2-3 टाइम्स ये एक्सपीरियंस कर लिया है मम्मी के साथ। तो मम्मी का केयरिंग कैसे करना है, मम्मी को हंसाना कैसे है, खेलना कैसे उसके साथ, क्या मेंटेन करना है, मुझे सब पता है। तो मैं धीरे धीरे आपको भी दिखाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा कैसा क्या सिचुएशन है और कितना दिन ये चल रहा है। तो चलो आप वीडियो हम एंड करते हैं। अच्छा, और मम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करो, ब्लेसिंग्स दो कि जल्द से जल्द मम्मी ठीक हो जाए और ये प्रॉब्लम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ना करे।